दोस्तों आप लोग के चैनल सर्च में नहीं आ रहा, तो कैसे सर्च में लाएंगे? यहाँ पे देख सकते हैं, मैं YouTube एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने चैनल सर्च करके दिखाता हूँ। दोनों को दोनों चैनल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ सर्च करके। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर ले रहा हूँ सोनू टिप्स 23, सर्च किया, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में मेरा चैनल आ चुका है। और दूसरा मैं चैनल यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ शायद ज्ञान वाला, और यहाँ पे मैं सर्च कर ले रहा हूँ। इस तरीके से सर्च कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं शायद ज्ञान वाला यहाँ पे शो कर रहा होगा, सबसे ऊपर में दिख रहा है। आप लोग सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल ऊपर में आएगा। कैसे ऊपर में आ रहा है आप लोग के नहीं आ रहा है? तो आप लोग चैनल नया नया खोल लेते हैं और आप लोग के सर्च में नहीं आता है चैनल, तो सर्च में कैसे लाना है मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो बन रहे हैं वीडियो शुरू से लेकर तक। अगर चैनल पहली बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे प्रेस करके रखना है। यहाँ पे इस तरीका से प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस आई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इसको क्लियर डाटा कर लेना होगा आप लोग के। इस तरीके से क्लियर डाटा कर देने के बाद यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। जो भी आप लोग चैनल के सर्च में लाना वही वाला जी मेल आई डी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग के कंटिन्यू कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटो दिख रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है studioyoutube.com। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइड पे करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन, तो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लैपटॉप की तरह यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप की तरह यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग के दिख रहा होगा एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा सेटिंग के ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसा ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सारा सेटिंग यही पे रहता है। आप लोग सेटिंग नहीं करते हैं, आप लोग यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं लेकिन आप लोग सेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के सारा सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चैनल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा आप लोग के चैनल में, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग के लिखना होगा अपना चैनल का नेम, यहाँ पे लिखना है जो भी आप लोग के चैनल का नाम होगा यहाँ पे लिख देना है। मेरा चैनल का नाम है यहाँ पे ओल मस्ती वीडियो चैनल। तो यहाँ पे मैं ओल मस्ती वीडियो चैनल यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। एक टैग यहाँ पे लग चुका है। फिर से यहाँ पे लिखना है शाहिद, बहुत सारा यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग जो भी कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आप लोग टेक कैटेगरी बनाते हैं, कॉमेडी कैटेगरी बनाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमेडी कैटेगरी इसमें बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको कॉमेडी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमेडी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पे लिख के 8-10 यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे लिख देने के बाद जो भी आप लोग के चैनल के नेम होगा वो आप लोग की हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के यहाँ पर डाल देना होगा। यहाँ पे ऊपर एक सेटिंग दिख रहा होगा ये वाला, अगर आप लोग ये वाला इंडिया नहीं किया होगा तो आप लोग इंडिया यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग के दिख रहा होगा सेव वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता है यहाँ पे इस तरीके से सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपका सेटिंग हो जाएगा। इतना कर देने के बाद डायरेक्ट यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोग जब वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक सेटिंग करना होगा। मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, तो इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ। एडिट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे टाइटल में आप लोग लिखना होगा, क्या लिखना है, आप लोग के चैनल का नाम लिखना होगा, तभी आप लोग के चैनल सर्च में आएगा। तो यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है ओल मस्ती वीडियो चैनल, तो मैं यहाँ पे ओल मस्ती वीडियो चैनल लिख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लिख दिया। लिख देने के बाद अब आप लोग के यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला आप लोग कॉपी करना है। कॉपी कर देने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग के नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये वाला पे आप लोग के क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद अब आप लोग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग रिलेटेड वीडियो भी लगा सकते हैं। यहाँ वाला ऐप पे क्लिक करके रिलेटेड वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीका से। तो चलिए मैं एक लगा दिया। और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, पब्लिक कर देना है, यहाँ पे आप लोग सेव कर देना है। सेव कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग के पब्लिक हो जाएगा। 8-10 वीडियो में आप लोग कर देना है, उसके बाद आप लोग के चैनल सर्च में आने लगेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल।